नमस्कार दोस्तों, मोर इन्फो चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में केंद्र शासित प्रदेश पौंडीचेरी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, पौंडीचेरी भारत गणराज्य का एक केंद्र शासित प्रदेश है। पहले यह फ्रांसीसी उपनिवेश था। फ्रांसीसियों का इस क्षेत्र पर लगभग 300 वर्ष अधिकार रहा। पुराने समय में यह फ्रांस के साथ होने वाले व्यापार का मुख्य केंद्र था। आज भी यहाँ फ्रांसीसी वास्तुशिल्प व संस्कृति देखने को मिलती है। 1954 में इस राज्य का भारत में विलय हुआ। पर्यटन के साथ आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से भी यह एक महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए प्रतिवर्ष लाखों पर्यटक यहाँ आते हैं। सन 2006 में इस राज्य का नाम पौंडीचेरी से बदलकर पुडुचेरी कर दिया गया। पुडुचेरी का नज़दीकी एयरपोर्ट चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो लगभग 145 किलोमीटर दूर स्थित है। बिल्लापुरम यहाँ का नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। सड़क मार्ग से पुडुचेरी अनेक बड़े शहरों से अच्छी प्रकार से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, पुडुचेरी अपने शानदार समुद्री बीच के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ओरेविले बीच, पैराडाइज बीच तथा रॉक बीच आदि यहाँ अनेक सुंदर बीच पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। दोस्तों, पुडुचेरी का एक मुख्य आकर्षण अरविंदो आश्रम और ओरेविले है। दोस्तों, अरविंदो आश्रम व्हाइट टाउन क्षेत्र में स्थित है। यह दुनिया के सबसे अधिक धनी आश्रमों में से एक है। देश व विदेश से अनेक पर्यटक यहाँ आध्यात्म के लिए आते हैं। ओरेविले शांति की खोज में आने वाले लोगों के लिए एक उपयुक्त स्थान है। दोस्तों, पुडुचेरी शिक्षा व उच्च शिक्षा का एक मुख्य केंद्र है तथा यहाँ की लगभग 86% पॉपुलेशन एजुकेटेड है। यहाँ मूल रूप से तमिल द्रविड़ रहते हैं, किंतु आजकल यहाँ मिश्रित संस्कृति देखने को मिलती है। दोस्तों, यहाँ तमिल, तेलुगु, मलयालम, अंग्रेजी के साथ फ्रेंच भी भाषा प्रचलित है। दोस्तों, पुडुचेरी में दक्षिण भारतीय और उत्तर भारतीय दोनों प्रकार का भोजन मिल जाता है। यहाँ परवन व आवास की अच्छी व्यवस्था है। दोस्तों, जब भी मौका मिले साफ सुंदर नीले शांत समुद्री बीच का आनंद लेने के लिए आप पुडुचेरी अवश्य आइए। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।